अयोध्या के राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। बोलने लगी भगवान राम की मूर्ति। जी हाँ, ये घटना राम की नगरी अयोध्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था और इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और पूरे देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे सभी लोग आरती के लिए एकत्रित हो चुके थे, जैसे ही आरती शुरू हुई तभी अचानक राम लला की मूर्ति बोल पड़ी। और इतना ही नहीं, राम लला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त चौंक गए। पल भर में ही ये खबर पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना हुई। दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। राम लला की मूर्ति को अरुण योगी राज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। वैसे तो राम लला की मूर्ति का कार्य 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगी राज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने राम लला की मूर्ति को मोहिनी रूप में बनाया था। दोस्तों, राम मंदिर का विवाद पिछले 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। लेकिन आज जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में केवल यही सवाल चल रहा है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कहीं ये सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं? अब हम आपको राम लला की मूर्ति का वो सच बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार खुद कह रहे हैं। राम लला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के दर्शन किए तो वह मंत्र मुक्त हो गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि राम लला की इस मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। उसके सामने बैठा था, ऐसे ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। योगी राज प्राण प्रतिष्ठा के पहले 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के चेहरे के भाव ही बदल गए, उनकी आंखें जीवंत हो गई और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो राम लला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। एक इंटरव्यू में अरुण योगी राज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया था। राम लला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए पूरे 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त पीएम मोदी के SPG कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो राम मंदिर के चप्पे चप्पे पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा VIP लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं, बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरे विश्व में हो रही है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में एक उत्सव का माहौल बन चुका है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन राम जी की मूर्ति को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। राम लला की मूर्ति को जिस पत्थर से तैयार किया गया है वो काले रंग का होता है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। राम लला की मूर्ति को आखिर इस पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह पत्थर हजारों सालों तक खराब नहीं होता। इस मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा।
साथ ही चंदन और रोली लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है, इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति में प्राण डालना। प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन किया जाता है। इसलिए जिस प्रतिमा की पूजा होती है, सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। अयोध्या में राम लला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ है। जब से राम लला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही नाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।